रायपुर में गुंडे बदमाश अतिक्रमण करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। दानी स्कूल के रोड को फिर से चालू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। रायपुर दक्षिण विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल ने मीडिया से कुछ इस प्रकार कहा। देश में एकमात्र अजूबा है यहाँ पर नई रोड बनाने की बजाय किसी रोड को बंद कर दिया गया है। ये पहले रोड थी और इसमें लगभग 10,000 बच्चे, दानी स्कूल के बच्चे, डिग्री गर्ल्स कॉलेज के बच्चे, SC ST हॉस्टल के बच्चे, कालीबाड़ी स्कूल के बच्चे, ये बच्चे इस रोड से अपने घर जाते थे जो अभी कालीबाड़ी चौक में फंसते हैं। और उसके लिए इस रोड को चालू करने की बात हम लंबे समय से कर रहे थे। अभी मैंने कलेक्टर को और बाकी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस रोड को फिर से चालू किया जाए। इसके लिए दानी स्कूल में एक गेट बनाया जाएगा, डिग्री गर्ल्स कॉलेज में एक गेट बनाया जाएगा, जो चांदनी चौक की तरफ गेट बंद है उसको खोला जाएगा, और रिस्ट्रिक्टेड हाइट का बैरिकेड लगाकर जिसमें खाली लाइट व्हीकल्स अंदर जा सकें उसके लिए इसको ओपन किया जाएगा। और बाकी एरिए में जो इनको डेवलपमेंट करना है, चौपाटी ये वो करें, परंतु दानी स्कूल की दीवार से और डिग्री गर्ल्स कॉलेज की दीवार से लगा हुआ कोई भी वहाँ पर ये चौपाटी वगैरह नहीं बनाई जाएगी। जो बनाए वो नीचे के क्षेत्र में बनाए। आपने एक समय रेखा दी है कितने दिन में मिलना है? मैंने कहा है कि 15 दिन के अंदर में ये सड़क चालू हो जानी चाहिए, क्योंकि पहले भी ये सड़क जो है दुर्गा मंदिर के बाजू में जाकर निकलती थी। मैंने कहा वहाँ से इस सड़क को खोल दिया जाए। साई जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं और उनको रायपुर शहर के बारे में पूरी हम जानकारी देंगे, और जानकारी देकर उनके माध्यम से रायपुर शहर में गुंडे, बदमाश, मवाली, अतिक्रमणकारी, गलत काम करने वाले लोगों को सबक सिखाया।